खुश हो गए क्योंकि हम पूरे देश की 32 इंडस्ट्रीज में से सिर्फ 8 इंडस्ट्री जिस टूर्नामेंट में खेलती हूँ हम उसमें हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हमें टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रेवांता मिला, और आप सभी को पता है कि जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो हमारा को ओनर भी होता है, ओनर्स ग्रुप में होता है। तो इस नाते हमें एक बड़ी सफलता आज मिली है। हमारे दोनों साथी प्रदीप सहरावत एंड अंकुर आर हियर, एंड सत्येंद्र, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल थैंक्स सीसीएल बोर्ड को जिसने हमारे इस फंक्शन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहला मैच पहला मैच 24 तारीख को है और पंजाब के साथ है हमारा मैच। तो पंजाब टीम पहली बार सीसीएल में आई है, उसके साथ हमारे दो दो हाथ होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सीसीएल को जीत करके अपने अपने ओनर्स को, अपने टाइटल स्पॉन्सर्स को और सभी स्पॉन्सर्स को, स्पेशली जो आज हमारे सामने 4-5 नए नाम आए हैं, सुभाष पासी, दीपक एंड अभय सिन्हा जी, टीपी अग्रवाल जी, एंड एवा वॉल अंकुर एंड प्रदीप, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है, और इसका रिटर्न होगा सीसीएल का कप। देखिए, इस साल जब पंजाब इन हुई तो वीर मराठी सीसीएल से हटी, और उसमें काफी कंपटीशन था कि किस टीम को पीछे जाना पड़ेगा। वीर मराठी भविष्य में आ सकती है सीसीएल में, लेकिन वो तभी होगा जब दो टीमों को नया लिया जाए। तो पंजाबी सिर्फ आई है, आगे और भी गुजरात है, उड़ीसा है, वो लोग आना चाहते हैं हमारे सीसीएल में, लेकिन वो 9 टीम के चक्कर होने के कारण वीर मराठी अब है ही नहीं सीसीएल में इस साल। तो निश्चित रूप से हमारा जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा वो अब तय होगा मैचेस के बाद कि कौन अच्छा खेलता है। हमारा कोई कोई शत्रुता नहीं है किसी इंडस्ट्री से, हम बल्कि देश को यूनाइट करने के लिए खेलते हैं। बट हर टीम जो खेलेगी वो मेरी विपक्षी टीम को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हम तो ये कल्पना कर रहे हैं कि अभी तो सीसीएल नेशनल हो रहा है, जिस दिन सीसीएल इंटरनेशनल होगा उस दिन हम चाहेंगे कि भोजपुरी दबंग्स के ज्यादा खिलाड़ी सीसीएल इंडिया में खेलें, और निश्चित रूप से हम वर्ल्ड चैंपियन बने, और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम नेशनल चैंपियन बने भोजपुरी दबंग्स। सीसीएल की बात करें मनोज जी, तो जिस प्रकार से और भी क्रिकेट चलते हैं उसमें क्रिकेटरों की भी बिडिंग होती है, तो इसमें सीसीएल में भी इस प्रकार की कोई पद्धति है? देखिए, अभी तो हमने स्पॉन्सरशिप बिड के मार्फत लिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल प्लेयर्स भी बिड होंगे, क्योंकि हमने इस बार दो प्लेयर्स, जब वीर मराठी की टीम बाहर हुई तो हमने वीर मराठी के दो लोगों को हमने अपनी टीम में लिया है, वो दो है रईस लश्करिया और मकरंद देश पांडे। वो लोग पहले वीर मराठी में खेलते थे, जैसे रितेश देशमुख अब बॉलीवुड में चले गए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा जब कुछ खिलाड़ियों को छोड़ करके जो कैप्टन वाइस कैप्टन हो सीसीएल में भी बीडिंग प्लेयर की हो सकती है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, सीसीएल और पार्लियामेंट, ये दोनों को कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, दोनों अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं, भोजपुरी सिनेमा का एक अंग हूं, और मैं भोजपुरी सिनेमा को बहुत आगे देखना चाहता हूं, इसलिए जो भी हमें सपोर्ट करता है, आज मैं रेवांता को सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर या ओनर्स ग्रुप में नहीं देखता हूं, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा समय आने वाला है,
जो ऐसी बड़ी कंपनियों के आने से होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मनोज जी ने हमें टाइटल स्पॉन्सर बनने का मौका दिया और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी टीम जीतेगी। अंकुर जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? अच्छा तो कहने वाली को बात ही नहीं, अच्छा ही लग रहा है मुझे, और हमारी जो रेसलिंग की टीम है उस तरह हम इसमें भी विजेता होंगे। मनोज जी एक आखिरी सवाल, किससे आपकी सामने लड़ाई किसकी है, किससे लड़ाई है? देखिए पहले तो हमारा जो ये बंगाल, मुंबई हीरोज, पंजाब, भोजपुरी दबंग, इसमें से जो भी टॉप टू टीमें होंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भोजपुरी दबंग इस बार सेमीफाइनल में तो है, उसके बाद फाइनल जीत के हम लोग लाएंगे। जी, आपसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बात कर दीपक बाजवा जी की, जुड़ गए हैं भोजपुरी दबंग से, क्या कहेंगे? हाँ, दीपक जी को मैं स्पेशली बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दीपक जी हमारे पास एक बड़ी भूमिका के लिए आए थे। वो ओनर्स लेवल पे बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब उतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी दीपक बाजवा जी, देखिए हमारे दीपक जी खड़े हैं, दीपक जी ने हमारे हेलमेट और कैप को स्पॉन्सर किया, बट मैं समझता हूँ इन्होंने जो शुरुआत की उसी के कारण आज हम इतनी बड़ी सफलता के साथ खड़े हैं। दीपक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये बाकी इनसे पूछ लीजिए। बस कुछ खास नहीं, मुझे यही कहना है कि बस मैं अभी शुरुआत की है जुड़ने की, आगे हम बढ़ते जाएंगे और जरूर हो सका तो कहीं ना कहीं ओनरशिप में भी हम साथ में रहेंगे। मैं लास्ट ईयर भी थी और मेरा ये सेकंड ईयर है और सीसीएल का 6 ईयर है और भोजपुरी दबंग का 4th साल है, और अच्छा लगता है जब भोजपुरी को हम इतना तरक्की करता हुआ देखते हैं, डे बाय डे ऊपर बढ़ रही है भोजपुरी हमारी, कहाँ एक सीमित थी यूपी बिहार तक, आज इंटरनेशनली हो रही है, तो अच्छा लगता है जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने भोजपुरी को। बहुत मजा आता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, जो फील्ड में हो जाता है वो हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा प्लेयर भी डक पे आउट हो जाता है और कई बार कोई प्लेयर जो नहीं अच्छा खेलता है वो सेंचुरी मार देता है, तो ये सब किस्मत की बात है। तो मुझे ये लगता है कि बढ़िया है कि फील्ड में अपनी टीम के लिए हुटिंग करना, अपनी टीम के लिए चीयर्स करना बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है अपनी टीम को जीतता हुआ देखकर, जब छक्के बजते हैं, जब हमारी टीम विकेट्स लेती है, तो बहुत मजा आता है। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत फन किया था, इस बार मुझे लगता है हम ज्यादा करेंगे क्योंकि इस बार हम लोग जीत के आएंगे। लास्ट ईयर भी किया था, लोग कर लेते हैं एडजस्ट क्योंकि सब लोग यहीं खेल रहे हैं, आपके हिसाब से तो प्रोड्यूसर वगैरह भी सब मैनेज कर लेते हैं डेट्स वगैरह, क्योंकि बहुत साल में एक ही बार होता है, हम सब लोग बहुत टाइम के बाद मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, बहुत फन करते हैं, गेम तो है लेकिन साथ में इस बात की खुशी होती है कि हमारी पूरी टीम मिलती है, हम लोग बहुत मजाक करते हैं और अगले दिन की प्रैक्टिस करते हैं, इट वॉज अ फन, मतलब सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग इसीलिए इसका नाम है कि सब सेलिब्रिटीज मिलती हैं और मजा करते हैं। मुझे एक्चुअली मनोज जी बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं, मनोज तिवारी जी, ये नहीं कि वो हमारे भोजपुरी की आन शान तो है ही, बट वो खेलते भी उतना ही अच्छा है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड बैट्समैन और वेरी गुड फील्डर, उनमें वो सारी क्वालिटीज हैं, तो मुझे लगता है कि ही इज ऑलराउंडर, इसलिए मेरे वो फेवरेट है।